मैं रोटी नहीं मारे घर, बिल्कुल रोटी नहीं है, हम इतने परेशान है। पकौड़े की रेड़ी लगाते थे वो छोड़ दिया, अब कमाई कैसे क्या करें, ऊपर रहे। 40 लाख की चोरी है 16-17 सेक्टर में। कमल गुप्ता पूरी टीम के साथ पहुंच गया, हमारे को 2.5 महीने हो गए, एक बार भी नहीं आया। इस बदौलत इन्होंने काम छोड़ दिया है, बेरोजगार है ये। पकौड़े की रेडी लगाते थे अपने 20 साल से कर रहे हैं, अखबार दोबारा वोट के दो इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे ना, इलेक्शन आ रहे हैं छपेड़े गारंटी था, बिल्कुल हाँ। अब सब ना सही बोले वो बारे में रोटी को नहीं, फिर हम क्या करें उसके, क्या करेंगे उसका, हम तो थपड़े पा रहे हैं। अगर हमारे घर में आ गए तो वे मीट बोले मीटिंग से बात करते हैं, मीटिंग में बात करके तुम्हारा सलूशन निकालेंगे। आज तक तो कोई सलूशन निकालना नहीं जी, कुछ नहीं हमारे पास, सारे चलते रेडी लगा रहे हैं और बारिश भी करा पट्टी हो रही है कि भगवान करके हम 5-6 खा के मर जाए। तो खाते हैं 150-150 रुपए बिस्कुट, ठीक है जी, और गरीब आदमी को बच्चों खाते हैं 2-3 दिन की बासी रोटी, खाली फिर रहे हैं, भूख मर रहे हैं। बच्चों का पेट कैसे भरते हैं, बच्चे का है कहाँ भरते हैं, देखो हालात। भाई फिलहाल मौजूद हूँ पुरानी सब्जी मंडी के नज़दीक, जो ये पार्क वाली गली ना, यहाँ पर ये जितने रेड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये कुछ समय पहले कमेटी वाले ने, जो हिसार कमेटी है, जो मार्केट कमेटी है, उन्होंने जो है ये यहाँ पर लगवाई थी। कहा ये था कि भाई आपको यहाँ बिजली पानी की हर चीज़ की सुविधा दे दी जाएगी, मगर मेन रोड पे आप अपनी जो है ये रेड़ियाँ मत लगाइएगा ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम न हो। लेकिन अब क्या इन लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, नहीं। किसका कहना है, ये खुद जो है यहाँ पर मार्केट कमेटी के व्यवहार से परेशान जो है ये रेड़ी वाले यहाँ पर मौजूद हैं। जी विकास जी, आपने जो फ़ोन करके बुलाया, बताइए परेशानी क्या है। परेशानी मैम इस चीज़ की है, कहने का मतलब कमल गुप्ता जी ने कहा था कि आपको हर चीज़ की सुविधा दी जाएगी, ठीक है जी। अब सुविधा मैम आप ये देख लो, एक रेडी वाला कितने पैसे कमाता है ये आपको खुद पता होना चाहिए, कितने पैसे गरीब आदमी कितना कमा लेगा। गरीब आदमी इतना ही कमाता है कि अपना ताज़ा खाता है, ताज़ा कमाता है जी, ठीक है जी। उनको ये लग रहा है कि गरीब रेडी वाला सबसे ज़्यादा अमीर है, ठीक है जी। ये आप देखो कि रेडी फ्रूट सब्जी एक ही बात बोलता है कि डेली का फ्रूट होता है कि डेली अपना बेचो, डेली अपना कमाओ और खाओ, ठीक है जी। अब ये फ्रूट ये देख लो मैम, आप कितना फ्रूट लोगों के दुकानों के ऊपर लगा हुआ है, कितनी दुकानें लगी हुई है जी, ठीक है। 50,000 का मालिक होगा, एक दुकान के ऊपर 50,000 का है, और पिछले कोविड से हर रेडी वाला कोविड से जूझ रहा है, और अपने जो है कर्जवान है जी मंडी से, ठीक है जी। कर्जवान इसलिए है कि कोविड से, कभी तो कोविड आ गया जी, अब जो थोड़ा सा उभरने का काम आया तो अब ये सरकार आ रही जी, देख लो आप, ठीक है जी। अभी मेरे ख्याल से जिस हिसाब से पानी यहाँ भरा हुआ है, आज खरीदारी की है क्या लोगों ने? खरीदारी तो मैम कोई नहीं आ रहा जी, पानी में कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है इधर गली में, कौन पानी में इतना भरेगा, इतना सुबह से यूं ही खाली बैठे हो? बिल्कुल खाली बैठे, कोई नहीं आ रहा है, दोपहर को बारिश आ गई उसके बाद खड़े हैं। पानी भरा हुआ आज, कितना पानी भरा हुआ? पानी 2 फुट भरा हुआ था जी, गोड्डा तक भरा हुआ था यार, घुटने तक। बिक्री हुई कुछ? कुछ नहीं है बिल्कुल, रोटी से परेशान, रोटी नहीं है हमारे पास, रोटी भी नहीं है। इन्होंने काम छोड़ दिया इस बदौलत इन्होंने काम छोड़ दिया है, बेरोजगार है ये। पकौड़े की रेडी लगाते थे अपने 20 साल से कर रहे हैं, अखबार चुरा रहे हैं, इनको देखो रोते हुए देखो इनको, ये अपना काम छोड़ के बेरोजगार क्यों छोड़ दिया आपने? भूख भरे मुँह कर रहे काकड़ी करे कहाँ जाए, बात की है लगाने नहीं देते, यहाँ लगाते थे, यहाँ लगाते थे, रेडी लगाने नहीं देते आप? बिल्कुल अभी मारा घर, आप कैमरा घुमाइए, मारा घर पर रोटी नहीं है, रास्ता खाली एक बार कर दीजिए, आगे आओ थोड़ा सा घर की प्रो बैठी, मैं रोटी नहीं मारा घर, बिल्कुल रोटी नहीं है, हम इतने परेशान है। पकौड़े की रेड़ी लगाते थे वो छोड़ दिया, अब कमाई कैसे क्या करें, भूख भर रहे भूख बिल्कुल, बार बार कुछ भी नहीं है, देखो आँखों आँख सुहा रहे हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास, चले चलते रेड़ी लगा रहे हैं और बारिश भी करा पट्टी हो रही है कि भगवान करके हम 5-6 खा के मर जाए। ऐसा तो क्यों बोल रहे हो, क्या करें फिर, रोटी मारे खाने नहीं है घर पे, रोटी नहीं है तो कैसे दे रहे? अब पकौड़े की रेड़ी हटा लिया, अब कर क्या, अब क्या कर रहे हो? खाली फिर रहे हैं, भूख भर रहे हैं। तो बच्चों का पेट कैसे भरते हो? बच्चे का है कहाँ भरते हैं, देखो बेरोजगार, बिल्कुल बेरोजगार का मतलब ये है मैम, गरीब आदमी को बच्चा, गरीब आदमी को बच्चा
कि सरकारी स्कूल में पढ़े, ठीक है जी। इधर जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं के जो बच्चे वो तो कुत्ते तो खाते हैं 150 रुपये बिस्कुट, ठीक है जी। और गरीब आदमी का बच्चों खाते दो दो तीन दिन की बासी रोटी। अब आप कैमरा घुमाओ, गरीब आदमी ये बोलता है कि रेडी फुटबॉल वाला कि यहाँ पे जाम लगाता है, थोड़ा कैमरा घुमा दो, आप कितनी गाड़ियाँ खड़ी है मैडम, एक बार गाड़ियाँ देखो। ये बात सच है कि यहाँ पर जो है ये रेड़िया इसलिए हटाई गई थी ताकि यहाँ पर आने वाले जाने वाले लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन जो जाम यहाँ पर पहले रेडियो से लगता था वही अब बेफालतू की बेफिजूली पार्किंग से लगने लगा है। लोग यहाँ जो है अपनी गाड़ियाँ स्कूटियाँ लगा करके चले जाते हैं, जिससे जो है लोगों को यहाँ पर जाम की जो है यहाँ पर मुसीबत झेलनी पड़ती है। क्या नगर निगम से आप लोगों ने बातचीत करने की कोशिश? वो बातचीत करिए जी, दो महीने में डेली जाते हैं, वो उसके पास भेजते हैं, एसपी के पास, वो डीएसपी के पास, वो मन्नी के पास, वो सरदाना के पास। हाँ, तो मतलब चक्कर आपको चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, खुद देखिए ये गाड़ियां खड़ी है, रेडी यहाँ खड़ा होगा भगा दिया जाएगा। 40 लाख की चोरी है 16-17 सेक्टर में, और ये अपने क्या नाम एमएलए साहब कमल गुप्ता पूरी टीम के साथ पहुंच गया। हमारे को 2.5 महीने हो गए, एक बार भी नहीं आया, एक बार दर्शन नहीं दिया, एक बार भी दर्शन नहीं। वहाँ आपकी पूरी टीम के साथ 16-17 सेक्टर में जागा है। अब अभी उम्मीद है कुछ कमेटी से, कुछ नगर निगम? कोई उम्मीद नहीं है जी, 2.5 महीने से कोई उम्मीद नहीं है। जाके चक्कर मार के बैठ गए, मनोज राठी के साथ भी गए, उन्होंने भी वहाँ बैठे हुए धरना दिया, मगर उन्हें कोई उम्मीद नहीं, आते ही नहीं है, बाहर निकल गए, अफसर इधर उधर निकल जाते हैं। चुनाव के समय तो आप लोगों से खूब बड़े बड़े वादे किए काफी ज्यादा। मैम पहली दफे आए थे कमल गुप्ता जी, बाय फेस मैंने उनको देखा भी नहीं था, उन्होंने ये बात बोला, आप मुझे जानते हो क्या? कमल गुप्ता ने ये बात की थी, ये बात बोले मुझे जानते, मैं नहीं जानता सर, मैं कमल गुप्ता हूँ, ठीक है। उस समय हमने विश्वास करके वोटिंग दी थी, काफी सपोर्ट करी थी। आज वो आज फिलहाल हमारे पास क्यों नहीं आते? हम दोबारा वोट मांगने आएंगे, देंगे क्या दोबारा वोट? की तो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे ना, इलेक्शन आ रहे हैं, थपेड़े थपेड़े मार रहे हैं, थपेड़े गारंटी से। हाँ बिल्कुल, हाँ अब सब ना सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वह बारे बारे रोटी कुड़ी, फिर हम क्या करें उसके, क्या करेंगे उसका? हम तो थपड़े मारे हैं, अगर हमारे घर में आ गए तो वे चोरी होते हैं। पूरी टीम के साथ पूछ गए कमल गुप्ता, पूरी टीम के साथ पूछे हैं वहाँ पे, हमारे पास एक बार भी नया डायमंड नहीं। पिछले फुटपाथ पे 3.5 फुट की रेडी के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर बंदा गुजारा कर रहा है। अगर ये सरकार को ये पता है क्या कि रेडी वाला ही जाम लगा रहा है? 3.5 फुट फुटपाथ के ऊपर बैठा है, फुटपाथ की रेडियां होती है कि वो रेडी वाला जाम लगा रहा है। आप दूर तक जाम देखिए, आप पूरा चेहरा सारा ये जाम की स्थिति आप देख सकते हैं। और ये जाम अब रेड़ी वालों की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो साधन गैर तरीके से जो यहाँ पर खड़े किए हैं, जो गाड़ी जो मोटरसाइकिल लोग लगाते हैं यहाँ पर, उस वजह से जो है ये जाम यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि इसी जाम को कम करने के लिए इनकी रोजी रोटी पर फर्क पड़ा, लोगों को साइड में, ये गली आपको पीछे दिखा दूं, इस गली में जो इन लोगों को खड़ा कर दिया गया। अब गली की समस्या ये है कि एक तो यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है, पानी जो है ऊपर तक भर जाता है, और जैसे ही पानी यहाँ पर भरता है लोग इस गली के अंदर जाते नहीं है। और ये जो बेचारे विक्रेता हैं, 50,000 रुपए का सामान एक रेड़ी के ऊपर लेकर के जो बैठे हैं, 3 से 4 दिन में जो बारिश का मौसम है, फल फ्रूट सड़ने शुरू हो जाते हैं, अगर 4 दिन के अंदर अंदर बिक्री नहीं हुई तो ये जो है फल है वो धीरे धीरे सड़ जाएंगे, और इनको ये सारा हर्जाना जो है खुद की जेब से भुगतना होगा। मगर इस बात का नगर निगम या कमेटी से क्या लेना देना, भाई उनके घरों पर बढ़िया से एसी चल रहे हैं, अच्छी मोटी आमदनी है, तो उन्हें इन लोगों का दर्द कतई सुनाई नहीं देता है। फिलहाल अंदर पानी की तस्वीरें जो एक बार आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए, तो भाई ये देखिए, ये ना पानी अभी फिलहाल लोग जिस तरीके से पैदल पानी में घूम रहे हैं, लोग यहाँ जो आने से झिझकते हैं, और क्योंकि जो है अक्सर एक्सीडेंट की स्थिति बन जाती है। अभी लोगों का कहना है ये पानी कितने दिन, कितने फुट तक था दिन में? यहाँ तक था जी 3 फुट था, 3 फुट पानी था। अभी उतरे, अभी उतरे, कितने घंटे लगे पानी उतरने में? पानी उतरने में 5-6 घंटे लगे, मैं 5-6 घंटे कम से कम, 6 घंटे। तो ये गली का आप हाल देख रहे हैं, 6 घंटे के बाद जो है गली का हाल ये है, तो सोच के देखिएगा कि दिन में क्या हाल होगा। सब्जियों की रेड़ियां आप देख सकते हैं, अमूमन जो है इस समय तक मोस्टली जो है रेड़ियां खाली हो जाती है, मगर आप ये देखिए कि रेड़ियां
खाली तो दूर की बात छोड़िए, अभी तक तो जो है मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों की कोई खासा बिक्री हुई होगी। मेयर साहब से डायरेक्ट मिले इस चीज को मेयर साहब बोले जी, उन्होंने तो बस वो क्या कहते हैं, मैम आते हैं वो मीटिंग से बात करते हैं, मीटिंग में बात करके तुम्हारा सोल्यूशन निकालेंगे। आज तक तो कोई सोल्यूशन निकाला नहीं है जी, आज तक तो वो सोल्यूशन निकला है। मैं तो ये कानून की परवाह ना इंसानियत की परवाह, कानून में शीट बेंडर एक्ट में लिखा है जब तक इनको लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, जब तक सर्वे नहीं हो जाएगा नहीं हटाया जाएगा। इंटरव्यू तो 10 बार लेके चले, कोई उसमें सुविधा है, वोट भी तो 15 बार लेके चले गए सर, फिर वोट क्यों देते हो ऐसे सब? आगे से वोट देने की टाल कर देंगे, तो फिर ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे हम, आगे से वोट नहीं देंगे। न्यू चेहरा आएगा, न्यू चेहरा, अब न्यू चेहरे को लेके आएंगे यहाँ पे, नए चेहरे को लेके, हां न्यू चेहरा आएगा, बिल्कुल न्यू चेहरा आएगा, ठीक है जी। आम आदमी का सहयोग मिलेगा, आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी को ही सहयोग मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये तो गरमा ही नहीं सकते जो हमारे काम दोबारा सहायता करेंगे, ये गर्म नहीं आ सकते जो हमारी नहीं सुनाई करेंगे ना, क्यों हमारे रोटी नहीं हमारे पास, तो हमें आमड़ी को देखे चाड़ेंगे। चलिए ठीक है, तो भाई ये खबर जो है आप दोबारा से दोहरा देती हूँ कि पुरानी सब्जी मंडी के पार्क वाली गली की जो है ये खबरें जहाँ पर देख रहे थे, जहाँ पर यहाँ इस गली के जो जितने विक्रेता है, फल फ्रूट विक्रेता, सब्जी विक्रेता जो है परेशान है क्योंकि उन्हें साइड में गली में ला दिया गया है ताकि जो है ये सड़क का जो पुरानी सब्जी मंडी का जाम हटाया जा सके। जाम हटा नहीं हटा वो बात अलग है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी जो है यहाँ से छिन गई है, और इसका जो है अंदाजा आप इस कदर लगा सकते हैं कि लोग यहाँ पर रेड़ियां लगाते थे, और एक बार मैं दिखाना चाहूंगी इनको कि रेड़ियां यहाँ पर लगाते थे और हार करके परेशान होकर के प्रशासन के रवैये से जो है अपना काम धंधा छोड़ दिया है कि अब करें तो क्या करें। खैर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो बड़े बड़े एसी कमरों में बैठे हुए जो लोग हैं ना, जिनके ऊपर इनकी जिम्मेदारी है, वो थोड़ी सी अपनी आंखें खोलें, थोड़ी सी नींद खोलें और इन लोगों के ऊपर ध्यान दें, इन लोगों की स्थिति पर ध्यान दें और थोड़ा सा सुधार करवाने की कोशिश तो कम से कम करें। ये वीडियो यहीं तक, आगे भी सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए सिर्फ एक न्यूज़। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो, और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।